बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स। आप एक नाम सैयद साजिद के साथ, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फा चौंक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक्सरसाइज 2.4 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। गिवन S1 इज इक्वल टू दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट 369 दरमियानी ब्रैकेट क्लोज, S2 इज इक्वल टू दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट AB दरमियानी ब्रैकेट क्लोज। ये S1 का सेट है, ये S2 का सेट है। S3 इज इक्वल टू दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट MN दरमियानी ब्रैकेट क्लोज, ये S3 का सेट है। फाइंड दी कार्टीजियन प्रोडक्ट। कार्टीजियन प्रोडक्ट को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पहले ए पार्ट की तरफ चलते हैं। ए पार्ट S1 मल्टीप्लाई बाय S2, यानी S1 की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे S2 की वैल्यूज़ के साथ। पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। S1 की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते हैं। S1 इज इक्वल टू दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट 369 369। S2 की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखते हैं। S2 इज इक्वल टू दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट AB दरमियानी ब्रैकेट क्लोज। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। S1 मल्टीप्लाई बाय S2 इज इक्वल टू दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट, यानी S1 की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे S2 की वैल्यूज़ के साथ। 3 को A से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 A आ जाएगा, कॉमा 3 को B से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 कॉमा B आ जाएगा, 6 को A से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमा 6 A आ जाएगा, 6 को B से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 B आ जाएगा, 9 को A से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 A आ जाएगा, 9 को B से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 B आ जाएगा, दरमियानी ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर है। अब हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। S2 मल्टीप्लाई बाय S3, यानी S2 की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे S3 की वैल्यूज़ के साथ। ये हमारे पास S1 की वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास S2 की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे S3 की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। S3 इज इक्वल टू MN। बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट S2 मल्टीप्लाई बाय S3 इज इक्वल टू दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट, यानी S2 की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे S3 की वैल्यूज़ के साथ। सिंपल क्वेश्चन है, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट। A को M से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आता है, AM छोटी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे काम है कसाइन। A को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट A, N छोटी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे भी कॉमे का साइन लगा देते हैं। B को M से मल्टीप्लाई करेंगे BM आ जाएगा, B को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो BN आ जाएगा, दरमियानी ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास बी पार्ट का आंसर है। अब हम लोग सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। S3 मल्टीप्लाई बाय S1, यानी S3 की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे S1 की वैल्यूज़ के साथ। अब हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं।
सी पार्ट एस थ्री मल्टीप्लाई बाय एस वन बराबर रिमेनिंग ब्रैकेट स्टार्ट। ये हमारे पास एस थ्री की वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास एस वन की वैल्यूज़ हैं। एम को यहाँ पे एस थ्री की वैल्यूज़ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। एस थ्री इज इक्वल टू एस थ्री की वैल्यूज़ हमारे पास एम एन है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम एन। इसके मुताबिक सॉल्व करना है, एस थ्री को एस वन से मल्टीप्लाई करेंगे यानी एम को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एम थ्री। एम को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है एम सिक्स। एम को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है एम नाइन। एन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है एन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है एन थ्री। एन को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है एन सिक्स। एन को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है एन नाइन, दरमियानी ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास सी पार्ट का आंसर है। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा, और आप लोगों को रिक्वेस्ट है kindly मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।